नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। वारासिवनी तहसील के ग्राम डोंगर माली में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा मत्स्य पालन कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां की समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने बताया कि उनकी समिति में ग्राम डोंगर माली, चंगेरा और पदमपुर के 53 मछुआरे शामिल है। उनकी समिति द्वारा इन तीन ग्रामों के 24 हेक्टेयर जल क्षेत्र वाले तालाबों में मत्स्य पालन के साथ झींगा पालन का कार्य भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में समिति को आइस बॉक्स सुविधा युक्त 11 मोटरसाइकिल प्रदान की गई है। चालू सीजन में लगभग 5 क्विंटल झींगा का उत्पादन किया जा चुका है और 10 क्विंटल और उत्पादन होने का अनुमान है। समिति अध्यक्ष ईश्वर दयाल ओके ने बताया कि उनके द्वारा आंध्र प्रदेश से झींगा का बीज मंगाया जाता है, जो तैयार होने पर 700 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक जाता है। पूरा नया है, ये नया बच्चा, ये भी नया ही है। और लेके कहाँ आते बच्चे, कहाँ से लेके आते हैं? सर ये नागपुर से आता है, नागपुर से लाते हैं अपन लोग। सर अभी पूरा जो हैचरीज है, इसकी हैचरी अभी वर्क नहीं कर रही है सर। ऑल ओवर मतलब उसकी बात करें, वेस्ट बंगाल में कहीं काम कर रही है, तो ये जो रिवराइन कलेक्शन है सर, तो ये लोग सब जो हैदराबाद वाले हैं, ये सब लोग कलेक्शन करके फिर ये लोग वाइट फ्लाइट नागपुर तक इनका आता है, फिर नागपुर से लोग यहाँ। अच्छा, कितने में खरीदते हैं? जैसे मान लीजिए इस तालाब में हमको पालन करना है, कितना लगभग लेके आते हैं सर? वहाँ से तो अपन 30,000, 35,000, 40,000 बच्चा लाते हैं। अच्छा, लगभग हमको यहाँ आते तक 3 रुपये करीब करके गिर जाता है भाड़ा, 3.5 रुपये पर मंथ पड़ जाता है। अच्छा, 3.5 यस। और ये खाना कुछ डालते नहीं? नेचुरल नहीं सर, खाना वो मछलियों को देते हैं, वही खाना देते हैं इसको। अच्छा, खाना देते हैं, तालाब में वैसे छोड़ दें तो नहीं होता? नहीं नहीं। ओके, तो पूरे तालाब में तो फिर डालते नहीं होंगे? नहीं सर, तीन तालाब में, तीन तालाब में। ये इतना बड़ा तालाब है, पूरे में डाल देते हैं? इसमें भी 15-16,000 है। एक मिनट, वारासिवनी से खबर समय जगत के समय देड़े की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।